बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर जो है उसको कैसे स्कैन करना है। कि अगर किसी सिस्टम के अंदर वायरस हो तो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसको कैसे जो है हम स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये बात आती है कि सबसे पहले आपने अपने सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर जो है आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो है ये कुछ नेसेसरी स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्कैनिंग कंप्यूटर यूजिंग AVG एंटीवायरस। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि AVG जो है सॉफ्टवेयर, ये मोस्टली यूज्ड होने वाला जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है जी, तो किस तरह से आपने इसको जो है फाइंड आउट करना है स्कैन करने के लिए, सबसे पहले ये कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, डॉट जो बने हुए हैं इनको हमने फॉलो करना है। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल वर्क है, तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है क्लिक स्टार्ट, जो स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट कंप्यूटर स्क्रीन में मेन स्क्रीन होती है उसके लेफ्ट साइड पर एक बटन बना होता है। ठीक है जी, एक बटन होता है ग्रीन कलर का मोस्टली इस साइड पे। ये तो खैर मेन स्क्रीन नहीं है, लेकिन जो है कंप्यूटर की मेन स्क्रीन जो है वहाँ पे स्टार्ट का बटन होता है। आपने उसे क्लिक करना है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोग्राम्स का, उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है AVG फ्री एडिशन जो आपने इंस्टॉल किया होगा वो आ जाएगा। उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने है AVG एंटीवायरस फ्री एडिशन फॉर विंडोज, ये जो है ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे आपने क्या करना है, क्लिक अपडेट मैनेजर। आपने जो है अपडेट मैनेजर को क्लिक कर देना है, जैसा कि फिगर जो है फिगर के अंदर आपको बताया गया है। उसके बाद जो है क्लिक स्कैन नाउ। स्कैन नाउ का ऑप्शन होगा आपके सामने, आपने जो है जस्ट उसे क्लिक करना है तो सिस्टम को जो है वो स्कैनिंग करनी शुरू कर देगा। इस तरह से जो है आपकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है परसेंटेज होगी, कितने परसेंट जो है डाटा उसने स्कैन कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इसको टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये हर जो है एक ड्राइव को चेक करेगा, उसके अंदर जितने भी फोल्डर हैं जितना भी डाटा है हर एक को वन बाय वन चेक करेगा। चेक करने के बाद जो है आपको जो है इस तरह से एक कम्प्लीट जो है समरी बताएगा कलर के साथ, ये कौन सी फाइल्स इफेक्टेड हैं, कौन सी जो है वायरस हैं, कौन सा जो है डाटा आपका जिसको जो है वायरस ने इफेक्ट किया है उसको जो है वो रिमूव करेगा। आपके सामने जो है उसको बताएगा कि जी ये हार्मफुल डाटा था, ये वायरस था, इसको हमने जो है आपके डाटा में से रिमूव कर दिया है। तो आपके सामने वो फिगर सी बना के दिखाई दे जाएगी। ये AVG जो है बेसिकली पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है, इसे जो है हम यूज़ कर सकते हैं, आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ नेसेसरी स्टेप्स थे, तो ये प्रैक्टिकल वर्क है बेसिकली। तो काइंडली जो है स्टूडेंट्स अपने सिस्टम के अंदर जो है AVG सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इवन के मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जो है ये स्टेप्स फॉलो करें, तो ये जो है आपका प्रैक्टिकल वर्क भी हो जाएगा। तो आई होप आपको कुछ इन चीज़ों की समझ लगी होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछा लाजमी करें। तो फिर जो है अब सेकेंड चैप्टर जो है हमारा कम्प्लीट हो गया, तो इसके जो है क्वेश्चन आंसर जो है हमने अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।